इस लेक्चर में हम ज्वेलरी की वेबसाइट बना रहे हैं फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास नेविगेशन आती है। और नेविगेशन क्या है? जो ऊपर होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह की चीजें आती हैं, उसको हम नेविगेशन कहते हैं वेब लैंग्वेज में। उससे पहले मैं कैनवस का साइज बता दूं। कैनवस का साइज है उसमें 1280 और हाइट है 1280। यहाँ पे ये चीज मैटर करती है 1280, ये चीज फिलहाल मैटर नहीं करती क्योंकि ये स्क्रॉलेबल स्क्रीन है। विड्थ हमारे पास फिक्स है, हम समझ रहे हैं कि लैपटॉप के लिए डिजाइन कर रहे हैं, और अगर हमने मोबाइल के लिए यूज डिजाइन करना है तो वो डिफरेंट होगा। हम इसमें इस कोर्स में इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट लैपटॉप के लिए डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। रिस्पॉन्सिवनेस का यहाँ पे एक आता है वर्ड, जो कि मैं क्लास के अंदर बताऊंगा कि हमारी इस वेबसाइट के साथ क्या मसला है अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे, सॉरी स्क्रीन साइज छोटा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास आपने डिसाइड करना होता है कि क्या आप मोबाइल के लिए डिजाइन कर रहे हैं, क्या आप लैपटॉप के लिए डिजाइन कर रहे हैं, या टैबलेट के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं लैपटॉप के लिए डिजाइन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने 1280 चूज कर लिया। हाइट मैटर नहीं कर रही फिलहाल, लेकिन मैंने उसको 1280 ही रखा है। ओके प्रेस करूंगा, ये मेरे पास 1280 बाय 1280 का कैनवास आ चुका है। सबसे पहले मैं इसमें नेविगेशन बनाऊंगा, उसके लिए मैं एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट करूंगा। फॉन्ट वगैरह मैं सब कुछ चेंज करूंगा, अभी नहीं मैं कुछ भी कर रहा, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ फॉन्ट, और ये सारा कैपिटल में जो कि मुझे नहीं जरूरत। तो मैं कैरेक्टर पे जाऊंगा और ये चीज अनचेक कर दूंगा। तो अब उसूलन उसको ये जो फॉन्ट है कंट्रोल ए काफी थिक है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ। सेमी कंडेंस्ड बोल्ड है, मैं इसको करता हूँ कंडेंस्ड थिन। ठीक है, फिलहाल के लिए ये वेब फॉन्ट सही है, कुछ ज्यादा ही थिन हो गया। इसको मैं दोबारा से करेक्टर पे जाऊंगा और एक्स्ट्रा लाइट करें। ठीक है, ओम। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेयर बनाऊंगा, कंट्रोल जे करूंगा, नीचे ड्रैग करूंगा, इसका मैं नाम दूंगा इसको अबाउट। एक और लेयर बनाऊंगा, इसको भी नीचे ड्रैग कर दूंगा, इसका नाम है बनाऊंगा ज्वेलरी। ये बेसिक नेविगेशन है, इसमें मैं कोई खास कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ये सिर्फ वो है जो कि ऊपर मोस्टली ज्वेलरी की वेबसाइट्स पे लिखे होते हैं। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टाइल, और एक आखिरी बना देते हैं कॉन्टेक्ट का। और इन सबको जो है मैं हॉरिजॉन्टल लाइन करने लगा हूं, जो कि ये है पहला जो कि होम है, और कॉन्टेक्ट जो कि आखिरी है, इसको मैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे ले जाता हूँ। सबको सिलेक्ट किया और इस आइकन पे क्लिक किया तो ये इस तरह से बन गया। होम पहले होना चाहिए था, तो होम को मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, और ज्वेलरी को मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, और मैं दोबारा से इसको अलाइन कर दूंगा ऐसे। तो फिलहाल के लिए ठीक हो गया। इन सब नेविगेशन टाइटल्स को मैं एक ग्रुप करने लगा और इसको मैं लिख दूंगा नेविगेशन। कलर की भी टेंशन आ रही है, ये सब चीजें हम चेंज करेंगे। इसके बाद इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। मुझे चाहिए एक स्लाइडर। स्लाइडर क्या होता है, पहले हम इंपोर्ट करते हैं फिर हम देखते हैं स्लाइडर क्या होता है। स्लाइडर के लिए मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, उनको देखते हैं कौन सी सूट कर रही है कौन सी नहीं कर रही। ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने स्क्रीन के ऊपर, और आई थिंक नहीं हुआ, हो गया।
फिलहाल मैंने इसको चेक कर दिया। यस, एडजस्ट मैं बाद में करता हूँ। स्लाइडर हमेशा फुल विड्थ का होता है, मतलब 80% चांसेस हैं ये फुल विड्थ का होगा। अगर ना हुआ तो वो डिपेंड करता है आपकी अपनी प्रेफरेंस पे कि आप किस तरह से इसको करना चाह रहे हैं। कभी कभी फुल विड्थ नहीं होगी और बॉक्स की शक्ल में होगा, तो आप पे डिपेंड करता है। मैंने नेविगेशन कंट्रोल टी करके प्रेस कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे मैं इसको सेंटर में बैकग्राउंड के लाइन कर रहा हूँ और ऊपर से थोड़ा सा गैप कम कर रहा हूँ। इस तरह से हो गया। मैं नेविगेशन कलर को चेंज करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या कलर दूंगा इसको देखते हैं। पहले मेरे ओवरऑल वेबसाइट जो है उसका कलर क्या होना चाहिए, मैं वो डिसाइड करूंगा। अभी तो वाइट है, क्या वाइट सही रहेगा? लेट्स सी। इस लेक्चर में भी मैं कोई खास टेम्पलेट फॉलो नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने ही चीज़ें चेंज करता रहूँगा, और अगर मुझे नहीं पसंद आएगी तो मैं आप लोगों के सामने ही कलर्स चेंज करूँगा। अगर मैं डार्क करता हूँ तो भी अच्छा है, क्योंकि ज्वेलरी की थोड़ी सी प्रीमियम वेबसाइट होती हैं। और अगर मैं इसको ब्राउनिश शेड में ले गया, मुझे ब्लैक सही लग रही है, लेकिन मैं ब्लैक क्लियर कट नहीं लूंगा, मैं ब्लैक ग्रेडियंट में लूंगा। ग्रेडियंट ओवरले, और ग्रेडियंट ओवरले पे मैं इसको ब्लैक और ग्रे का एक अजीबोगरीब सा कलर दूंगा। ये हो गया, और दूसरे को मैं ब्लैक कर दूंगा। अब बेहतर लग रहा है, लेकिन मैं इसको रिवर्स करना चाह रहा हूं, ये बेहतर है। ओके, अब मैं नेविगेशन को कलर दे सकता हूँ, और नेविगेशन का मैं क्या कलर दूंगा, सॉरी, इस नेविगेशन पे मैं कलर ओवरले डालूंगा। कलर ओवरले डालने के बाद मैं इसको ग्रेश कलर दूंगा, जो कि पहले से मौजूद है। तो ओके, ये हमारा ऊपर वाला हेडर कंप्लीट हो गया। एक चीज मिसिंग है इस पे, जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं ना, जिस पेज पे हम होते हैं वो पेज थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है। लेट्स अज्यूम मैं होम पेज के ऊपर हूँ, तो मैं इसके होम पेज को थोड़ा सा ब्राइट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस होम को यहाँ से निकाल दूंगा, और अब होम का कलर जो है मैं चेंज कर सकता हूँ मैनुअली, और वो मैं सिलेक्ट करूंगा प्योर वाइट, ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए बाकियों से। समझ आई आप लोगों को मैंने क्या किया? जी सर। इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया मैंने, जरा ब्राइट व्हाइट देख, बाकी सारे ग्रे हैं। और इसके अलावा हमेशा यहाँ पे ना स्लाइडर्स में तीन चार इमेजेस होती हैं। फिलहाल मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैंने एक स्लाइडर बना दिया है, एक मेन्यू बना दिया जिसको मैंने नेविगेशन लिंक्स दिया हुआ है, और इस सबको होम और नेविगेशन को मैं एक और ग्रुप में डाल दिया, उसको मैं कह देता हूँ नेविगेशन बार, नेविगेशन बार भी लिख दिया, और बैकग्राउंड भी आ गया, बैकग्राउंड और स्लाइडर भी आ गया। अब स्लाइडर के ऊपर हमेशा कोई एक स्लाइडर नहीं चल रहा होता, तीन चार स्लाइडर चल रहे होते हैं, तो स्लाइडर को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक सर्कल बनाऊंगा, और सर्कल को मैं करूंगा वाइट कलर दूंगा, और इस एलिप्स को मैंने कंट्रोल टी किया, थोड़ा सा इसको मैंने छोटा किया, उसको यहाँ पे मैंने फिलहाल के लिए डाल दिया कंट्रोल जे, इधर कंट्रोल जे, इधर, और इन तीनों को मैंने यहाँ पे, इन दो के कलर्स चेंज होंगे जो आखिरी दो हैं, इसके कलर होंगे हल्के से ग्रेश, और इन तीनों को मैंने एक फोल्डर में डाल दिया, इसको नाम दे दिया स्लाइडर नेविगेशन। तीन स्लाइडर हैं इस वेबसाइट में, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, फिलहाल तो एक ही है, और अभी पहला वाला हुआ हुआ है हाईलाइट, तो इसलिए इसको हमने व्हाइट दिया हुआ है।
हेडर नेविगेशन और बैकग्राउंड को मैंने कर दिया वर्टिकल लाइन, हो गया। और स्लाइडर नेविगेशन को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ है, थोड़ा सा इसको मैंने छोटा किया और परफेक्ट। कंट्रोल सेव करने जा रहा था, मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है। अब हम बीच में एक आधी प्रोडक्ट डालेंगे जो कि प्रीमियम प्रोडक्ट होगा हमारा। इमेजेस हम चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसका। ये नेट से उठाई हुई इमेजेस हैं सारी, इसको मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज किया। अब यहाँ पे बैक पे मैं चाह रहा हूँ ये इमेज है, फ्रंट पे ये वाली इमेज है, ठीक है। मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद आई, मैं कुछ और डाउन कर रहा हूँ। लेट्स गेट दिस एंड दिस, मैं घड़ियों की तस्वीर डिलीट कर रहा हूँ, वो आगे कहीं से यूज करनी हुई तो कर लेंगे, फिलहाल मैंने नहीं यूज करनी। ज्वेलरी की इमेज को कंट्रोल डी किया, ये हो गया। एक को हाइड किया, एक को शो किया, ऊपर वाले को मैंने ड्रैग किया नीचे, कंट्रोल टी प्रेस किया और इसको यहाँ पे मैंने प्यार के लिए डाल दिया। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर ये इमेज कंटेन होगा। ये इमेज बना दिया, इस पर स्ट्रोक लगा हुआ है और सॉरी कवर कलर लगा हुआ है, मैं इसको ग्रेडियंट ओवरले डालना चाह रहा हूँ जो कि मैंने, ठीक है, मैं फ्रॉम द स्क्रैच बना रहा हूँ। ग्रेडियंट ओवरले इस रेक्टेंगल के ऊपर मैं कर रहा हूँ ग्रेडियंट ओवरले, और इसको थोड़ा सा ब्राइट करूंगा, ये बहुत डल हुआ है ताकि हमारी इमेज प्रोमिनेंट हो। इस पे मैं करूंगा ये वाला कलर और ऊपर के लिए, ठीक है, ओके प्रेस करूंगा, ओके प्रेस करूंगा और इमेज को ड्रैग करके ऊपर ले आऊंगा। ये इमेज हमारा आ गया। इस इमेज को और इस रेक्टेंगल को मैं थोड़ा छोटा करने जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा और काफी स्पेस ले रहा है, ठीक है। इसको मैंने यस किया और इस रेक्टेंगल पे मैं स्ट्रोक भी डालना चाहूंगा वाइट कलर का, स्ट्रोक नहीं इतना ज्यादा नहीं चाहिए, इतना काफी है, ओके। ये मेरे पास एक इमेज आ गई, इसको मैं ग्रुप कर रहा हूँ। ये मेरे पास इयररिंग्स हैं और ये उसकी बैकग्राउंड है, इनको मैंने कंट्रोल जी के लिए ग्रुप कर दिया और इसको मैंने नाम दे दिया प्रीमियम प्रोडक्ट वन। कंट्रोल टी थोड़ा सा टिल्ट किया इसको एंड डन। मुझे इसकी कलर नहीं पसंद आ रहे, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। रेक्टेंगल पे गया, ग्रेडियंट ओवरले पे गया, थोड़ा सा टाइम इस पे जाया करना पड़ेगा क्योंकि ये कहने को तो प्रीमियम प्रोडक्ट है हमारा। ब्लू का शेड पकड़ना पड़ेगा, लेट्स इग्नोर इट। तो आप ये ब्लू पकड़े हैं, इसमें भी ग्रेडियंट आ रहा है, ब्लू मैच नहीं कर रहा हमारी थीम के साथ। मैंने ब्लू सेलेक्ट किया था, हमारी थीम ग्रे जा रही है, मोस्टली ग्रे और ब्लैक और वाइट, इसलिए मैं वो पकड़ रहा हूँ ताकि कलर्स प्रोमिनेंट हो। और वो तो हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी डालें कोई इशू नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा शेडो भी दे देता हूँ ज्वेलरी को, बहुत ही डेड लग रहा है। एफएक्स ड्रॉप शेडो और शेडो कहाँ पे गया, ठीक है, फिलहाल के लिए इतना चलेगा। और कंट्रोल टी थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ, एंटर। और इसी प्रोडक्ट को, प्रीमियम प्रोडक्ट वन को मैं कंट्रोल जे कर रहा हूँ ताकि दूसरा प्रोडक्ट आ जाए। कंट्रोल टी कर रहा हूँ पिछले वाले प्रोडक्ट को, इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ प्रोडक्ट टू। प्रोडक्ट टू को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, कंट्रोल टी कर रहा हूँ
थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ, बाएं की तरफ निकालूंगा और आई थिंक काफी ऐसा प्रोडक्ट टू की मैं इमेजेस चेंज करने जा रहा हूँ या नहीं ना भी करूँ तो कोई मसला नहीं है, बस यहाँ पे शो कर देता हूँ हल्का सा कि पीछे भी कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। इस इमेज को मैं डिलीट कर रहा हूँ, दो प्रोडक्ट्स हो गए मेरे पास, इनको मैं ग्रुप कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रीमियम और इसको मैं बैकग्राउंड के अलाइन कर रहा हूँ सेंटर। तो फिलहाल हमारे पास ये आ गया। अब ये स्पेस और ये स्पेस खाली है हमारे पास, यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाहेंगे। यहाँ पे लाइन और लाइन के बाद इसकी मैं हाइट कम कर रहा हूँ, 3 पिक्सल काफी है। 3 पिक्सल के बाद कलर मैं वाइट अगर दूं तो कैसा रहेगा, ठीक है नॉट बैड, नहीं मैं इसको वाइट नहीं दे रहा, मैं इसको ग्रे दे रहा हूँ, ये सही है। वेलकम आ गया, इसके नीचे लाइन आ गई। अब यही सेम लाइन में कंट्रोल जे करके नीचे ड्रैग कर रहा हूँ क्योंकि हमारा एक सेक्शन बन जाएगा यहाँ पे, और बीच में मैं टेक्स्ट क्रिएट करूंगा और इस टेक्स्ट पे मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा हूँ। करेक्टर पे जाके इसकी लाइन स्पेसिंग मैंने कम की, इसकी अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दी, फॉन्ट साइज मैंने मजीद छोटा कर दिया, टेक्स्ट लाइन और छोटी की, ये तो काफी ज्यादा आ गया, इसमें से आधे को मैंने डिलीट कर दिया। कंट्रोल ए, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा किया, फिलहाल हम इसी से गुजारा कर लेते हैं। इसको मैंने ड्रैग किया नीचे सेंटर में, इस पूरी वेलकम को, ये लाइन को, इस टेक्स्ट को और फिनिशियल लाइन को ग्रुप बना दिया कंट्रोल जी करके और इसका मैंने नाम दे दिया है लेफ्ट कॉलम, कंट्रोल जे किया उसको रीनेम कर दिया राइट कॉलम और ड्रैग कर दिया इसको मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट पे, और यहां पे भी कुछ आना चाहिए, यहां पे मैं लिख दूंगा टेक्स्ट। ये सारा टेक्स्ट देती है ना कि ये लिखना है, हाँ ये फोटोशॉप में डिफॉल्ट टेक्स्ट आ जाता है, मैंने वही यूज किया है। नहीं नहीं वैसे जब हम उनकी वेबसाइट अगर क्रिएट करेंगे तो वो हमें टेक्स्ट खुद देंगे ना। हाँ जी हाँ जी वो खुद ही देंगे टेक्स्ट, हमने नहीं लिखना होता, तभी तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे कुछ भी। अब मैं इसको दोबारा से डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको मैं लिख रहा हूँ सेंटर कॉलम, सेंटर कॉलम इसको मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे ले गया, मुझे नहीं पता ये कैसे लगेगा बट देखते हैं। इसकी लाइन काफी बड़ी लग रही है तो मैं छोटा करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, वेलकम क्योंकि वेलकम तो खैर टेम्पररी टेक्स्ट है, चलिए यहाँ पे बटन बना सकते हैं इसको मैं छोड़ देता हूँ, सेंटर कॉलम में मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ। बटन का कलर होगा प्रोमिनेंट, तो लेट्स सी हमारे पास प्रोमिनेंट कलर्स कौन से हैं, वाइट नहीं होगा, कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ यार इसकी से गुजारा करते हैं और इसके कॉर्नर्स में राउंड करने लगा
प्रॉपर्टीज कहाँ पे हैं, ये प्रॉपर्टीज आ गई हैं, और इसको मैंने राउंड किया। राउंड करने के बाद क्या कर सकता हूँ मैं इसके साथ, इसमें टेक्स्ट लिखने, जाहिर सी बात है एक टेक्स्ट लिखते हैं, व्यू मोर कंट्रोल ए करेक्टर सारे कैपिटल। इस टेक्स्ट को उठाया और इसके सेंटर में डाल दिया। फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, बस काफी इतना। इन दोनों को मैंने अलाइन करना है आपस में, तो मैं इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा, सेंटर अलाइन भी कर दिया, हॉरिजॉन्टल अलाइन भी कर दिया। व्यू मोर का साइज में थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, बहुत ही छोटा है, इतना काफी रहेगा। और कलर क्या सिलेक्ट हुआ, अगर वाइट ही है ना तो थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ मैं, ठीक है, कुछ बेहतर हो गया। मैंने कैंसिल कर दिया, वेरी गुड। ह्यूमर पे गए, टेक्स्ट पे गए, और इसको सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल टी, और विड्थ थोड़ी सी मैं छोटी कर रहा हूँ ताकि बटन के अंदर आ जाए। परफेक्ट, दी एंड। और ये हमारी फिलहाल के लिए वेबसाइट बन गई है। और इसमें क्या क्या ऐड कर, हाँ बटन अलाइन नहीं है, सेंटर नहीं हुआ हुआ, तो मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, बैकग्राउंड को क्लिक करूंगा और सेंटर में फेंक दिया। प्रीमियम प्रोडक्ट की पूरी चीज को मैं उठा के नीचे ले आऊंगा, और वेलकम जो दूसरा आ रहा है उसको मैं रीनेम करने जा रहा हूँ। राइट कॉलम पे वेलकम नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा आएगा अबाउट, कह देते हैं यहाँ पे अबाउट अस, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली होम पेज बन गया है कुछ हद तक। क्या चीजें और ऐड कर सकते हैं, फुटर नहीं बनाया अभी, तो फुटर बना लेते हैं। फुटर में क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले तो कॉपीराइट मारे यहाँ पे कि ये वेबसाइट हमारी है। नेक्स्ट, और यहाँ पे एक और चीज हम करेंगे, ज्वेलरी ब्रांड 2021 www.jewelrybrand.com। टेक्स्ट इसका मैं छोटा कर देता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, और आई थिंक काफी है। कॉपीराइट के भी हम टेंशन नहीं ले रहे, यहाँ पे आप जो मर्जी लिख सकते हैं। मैंने सेंटर करना है तो मैं ये प्रेस करूंगा, सेंटर भी हो गया। और एक बेसिक नेविगेशन ऊपर से उठा के, जो स्लाइडर नेविगेशन, सॉरी नेविगेशन बार थी, इसको कंट्रोल जे करूंगा, अब मैं इसको रीनेम कर दूंगा फुटर नेविगेशन। ये फुटर पे हम यूज करने लगे, फुटर नीचे वाला हिस्सा होता है, हेडर ऊपर वाला हिस्सा होता है। ये पूरी चीज उठा के मैं नीचे ले आऊंगा, और दैट्स इट। इसमें मजीद चीजें ये आएंगी कि आप हमारे फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मैं वो लिखने लगा हूँ। कॉन्टेक्ट की जगह यहाँ पे डिफरेंट नेविगेशन दे देते हैं, रिंग्स की जगह मैं लिख देता हूँ। और क्लास रिजॉइन करें क्योंकि लेस देन वन मिनट रह गया, तो एक सेकेंड में इसको उठा के ऊपर ले जाऊं, और स्टाइल को दोबारा नीचे ले आता हूँ। अब हम अगली क्लास में नेविगेशन बनाएंगे, अगली क्लास मतलब कि आप लोग रीजॉइन कर लें। सर हाँ जी,
सर जैसे ये आपका टेक्स्ट आता है ना, आप कोई भी टेक्स्ट है कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो आपके पास आदत है, आप उसे एक रेक्टेंगल शेप में या बॉक्स में कर देते हैं। इस तरीके से मैं टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करती हूँ ना, तो वो आगे ही चले जाता है, फिर उसके बाद मैं उतना उतना पार्ट कट करती हूँ, फिर उस जगह पे पेस्ट करती हूँ। इस सही सही। तरीके से मेरा इसका आप तरीका बता देता हूँ। आप एक चीज कर रही होंगी, आप सिर्फ टेक्स्ट लिख के क्लिक कर रही होंगी, आपने क्लिक नहीं करना, आपने क्लिक करके ड्रैग करके बॉक्स बनाना है। मैं आपको बता दूंगा क्लास के एंड पे, इसका कोई इशू नहीं ठीक है। तो पहले हम इसको वाइंड कर लें अपने फुटर मेन्यू को, और जी सर जूम करते हैं इस पे। रिंग्स कर दिया हमने, स्टाइल की जगह हम लिख देते हैं बैंगल्स। बैंगल्स की स्पेलिंग क्या होते हैं, BANGLES। ज्वेलरी की जगह मैं लिख देता हूँ पेंडेंट्स, PNDANTS। होपफुली स्पेलिंग सही है। अबाउट की जगह मैं लिख देता हूँ, और क्या होता है, बैंगल ब्रेसलेट्स होती हैं, ब्रेसलेट्स। और होम की जगह मैं होम ही रहने दे रहा हूँ, क्योंकि होम नीचे फुटर में होना चाहिए। तो इन चारों चीज़ों को मैंने सेलेक्ट किया जो अंदर हैं, और बाहर वाले होम को सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले मैंने हॉरिजॉन्टली अलाइन किया, और फिर इसके बाद स्पेसिंग दे दी। तो ये हमारे पास मेन्यू बन गया। फिर इस फुटर नेविगेशन को उठा के बैकग्राउंड के साथ मैंने हॉरिजॉन्टल अलाइन कर दिया, क्योंकि पहले से हुआ हुआ है। एंड दैट्स इट, ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है, जो कि इतना बुरा नहीं है, कम टाइम में हमने बनाया। लेकिन इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, नीचे और प्रोडक्ट्स डाल दें, लेकिन क्योंकि क्लास का टाइम कम होता है तो एक बेसिक आइडिया देना था वो मैंने दे दिया। तो आप इसी चीज़ के अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मज़ीद पेजेस पे ना अबाउट अस का पेज डिज़ाइन कर लें, ज्वेलरी का पेज डिज़ाइन कर लें, स्टाइल का डिज़ाइन कर लें, वो आपके हाथ में। और फुटर में मैं लाइन भी दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेपरेट करने के लिए यहाँ पर मैं लाइन दे दूँ, लेकिन लाइन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, मैंने ऊपर भी लाइन यूज़ कर ली हैं, तो मेरे ख्याल में काम ख़राब हो जाएगा डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ट्राई करने में क्या हर्ज है। इधर ये मेरी लाइन ये है, इसको मैंने वाइट की बजाय ग्रे लाइन दिया, नहीं बहुत ज्यादा लाइन हो गई है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। दैट्स इट, ये आपका काम हो गया, आपकी वेबसाइट बन गई है। अब क्या करना है, आपने कहा था कि टेक्स्ट किस तरह बनाते हैं, टेक्स्ट इस तरीके से बनाते हैं, टेक्स्ट पे गए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और कुछ भी लिखना शुरू करूंगा तो वो लंबी लाइन बनती जाएगी। मैं इसको एस्केप कर रहा हूँ और इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं टेक्स्ट पकड़ के ये सर्कल स्क्वायर बना रहा हूँ, ड्रैग करके रेक्टेंगल जिस तरह हम बनाते हैं। अब इसके अंदर जो भी लिखूंगा ना वो उस डब्बे के अंदर ही रहेगा, इससे नीचे नहीं आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये बस एक डिफरेंस है। करेक्ट पे गया। टेक्स्ट को दबाने के बाद जो है पहले ड्रैग करके स्क्वायर बनाना है, बाद में लिखना। हाँ जी, पहले स्क्वायर बनाना है, वो फिर से डॉटेड स्क्वायर बन जाएगा, फिर आप इसके अंदर जो मर्जी लिखे वो स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, जो हो गया। सर ये जैसे था ना, ये स्लाइडर में दो तीन पिक्चर्स आती हैं। जी जी, तो इसमें ये आपने बस एक मेन पिक्चर लगाई है। मैंने एक लगाई तो है इसमें। जी जी, हाँ जी। तो इसमें तीन पिक्चर्स हम कैसे लगा सकते हैं? वो असल में तो वेबसाइट में बनेगा ना, असल में तो वो वेबसाइट की एनिमेशन चल रही होगी कि ऑटोमेटिकली खुद ही स्लाइड हो जाएगा। मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया है अपने क्लाइंट को वो ये दिया है कि तीन इमेजेस यहाँ पे आ सकती हैं, लेकिन शो तो मैं फोटोशॉप में तो एक ही शो करवा सकता हूँ, क्योंकि पिक्चर है मेरे पास। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एडिशनल इमेज यहाँ से पकड़ूँ अपने फोल्डर से, और फोटोशॉप में जाके स्लाइडर के स्लाइडर में मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ पे छोड़ दूंगा, और इस इमेज को मैं ले जाऊंगा अपने उस इमेज के साथ, तो ये मेरा सेकंड स्लाइडर बन जाएगा। मैं इसको हाइड करूंगा तो पिछली वाली इमेज आ जाएगी, इसको हाइड इसको करूंगा तो नई वाली इमेज आ जाएगी। ये स्लाइडर्स मोस्टली एक ही शो करते हैं जब आप टेम्पलेट बनाते हैं फोटोशॉप में, तो वो वेब डेवलपर का काम होता है कि उसके पीछे मल्टीपल इमेजेस डाले, वो फोटोशॉप वाले का काम नहीं होता। आपने सिर्फ आइडिया देना है, हमारा काम है सिर्फ डिजाइन करना। ठीक,
वेबसाइट डिजाइनिंग में हमने सिर्फ फ्रंट पेज जो अच्छा बेसिक है वो डिजाइन करके देना है, आगे सारा काम उनका खुद ही है, वो जो मर्जी करवाए वेब ये सारा पेज आपने डिजाइन करके डेवलपमेंट। दे दिया, अब वेब डेवलपर ये जी पूरा सारा का सारा ना कोडिंग के थ्रू बनाएगा, ठीक है। हमारा जी वेबसाइट जो होता है वो यही होती है ना, फोटोशॉप टू HTML, तो बेसिकली वो HTML वाला जी काम वो करेंगे, फोटोशॉप वाला काम आप करेंगे, तो ये होता है बस। छह हो गए।